आप जाओ और मेरे लिए एक अच्छा सा बैग ढूंढ के लाओ। जाओ। कौन सा बैग? मुझे हमारी आज की ब्लॉग का भी टाइटल मिल गया, हमारी लाइन में खड़े खड़े। गुड मॉर्निंग आप सबको, और आज नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। बट अभी हम सुबह सुबह थोड़ा काम से जा रहे थे, पर मैंने कहा सुबह का आपको माहौल दिखा दूँ। अभी गाड़ी स्टार्ट की हुई है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। हमने दो जैकेटें पहनी हुई है, एक नीचे से हुडी वाली पहनी हुई है, ऊपर से ये वाली पहनी हुई है। बट आपको गाड़ी का हाल दिखाता हूँ। अभी देखो फ्रेंड्स, सारी आइस जमी हुई है, मतलब इतना हार्ड हुआ है ना। ये पीछे ड्यूटी मेरी है सॉफ्ट ऑफ, तो इसमें पूरी ये देखो आइस ही आइस है, गाड़ी पूरी आइस से जमी हुई है। अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट करके रख दिया, थोड़ी ये पिघल जाए फिर निकलेंगे। ठंडी मैं कहता हूँ अभी -3 में चल रहा है टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। और सुबह मैं उठा था तो सारी यहाँ पे फ्रॉस्ट जमी हुई थी, बट अभी थोड़ी पिघल गई क्योंकि सूर्य देवता आ गए हैं। बट अभी हम जा रहे हैं ऊपर, देखो गाड़ी के भाई साहब सॉफ्ट टॉप का यही होता है। मेरे अंदर दो छतें लगी हुई हैं, ये एक छत है और अंदर से मैंने एक और मैश लगाई हुई है ताकि थोड़ी वार्म रहे। 4 घंटे से ऊपर हो गया इसको करते हुए, पीछे से सारा क्लीन करके लाया और आगे से इसने सारा क्लीन किया। देखो फ्रेंड, जिस तरह वो बड़ा भी पेड़ चढ़ने वाला और ये वाला झड़ गया, बट दो पेड़ों का इतना गंद हमारे अभी पड़ा हुआ। अभी मैं अगले हफ्ते क्लीन करूँगा, बट मैंने कहा आप लोगों को ये दिखाता हूँ कितने ही पत्ते हैं। ग्रेट वैल्यू कभी आ गया। देखो फ्रेंड्स, असी आए हैं वॉलमार्ट और हमें हमारा घी मिल गया। ये इस तरह का घी है, ये इस तरह का घी है, ये इस तरह का घी है, और ये इस तरह का घी है, और ये इस तरह का घी, मतलब कितनी तरह के घी है। हाँ ये वाले है ना हमारे घी, और ये कोकोनट ऑयल के साथ घी हमारा भी इन्होंने सामान रखना शुरू कर दिया। अब वैसे हम तो ज़्यादा यही वाला यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल। ये नीचे पड़ा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बट मैंने कहा आप लोगों को घी दिखा दूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमने मंगवा लिए हैं अपने क्रिसमस वाले कुशन कवर, तो अभी हम इन फॉल वालों को उठा के क्रिसमस वाले चढ़ाएंगे। और यहाँ पे ये इनका ये नुकसान होता है, यहाँ पे पिल्लो के बगैर नहीं मिलते, मतलब इसमें पिल्लो नहीं आते, सिर्फ कवर ही आते हैं। तो हमने क्रिसमस वाले जो हम यहाँ से लेते हैं ना स्टोर्स में से, वो पिल्लो के साथ आते हैं, तो हमें हमेशा पिल्लो नहीं चाहिए होते। तो आ गए हैं। ओ माय डियर, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। ये देखो हो विद द मूंछ, और ये बिछा दिए हमने अपने क्या बोलोगे इसको, कुशन। और यहाँ पे भी कवर्स, कुशन कवर है। अब हम क्रिसमस की स्पिरिट में आ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं घूमने, कहाँ जा रहे हैं बिना, कहाँ शॉपिंग करवाने जा रहे हो? मुझे शॉपिंग करवाने जा रही है इंडियन ग्रोसरी स्टोर। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर शॉपिंग करने, घर की शॉपिंग, जो कि घर का राशन का सामान होता है हर 2 दिन बाद मुक जाता है, बट अभी वही लेने जा रहे हैं। उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे, देखते हैं। जेडन घर पे या सो रहा है, अभी थोड़ी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए अभी 70s में, तो कभी 20s में। आज फिर से बहुत ठंड हुई हुई है, बट टैटू बनवा लें इधर। मैं जब भी आता हूँ ना फ्रेंड्स अंकल के स्टोर, आपको दिखाता हूँ, मेरा टैटू का बहुत शौक होता है। ग्रीन ग्रीन, इसको जूम कर दो और ओके। तो ये बंदा जो कर रहा है ये सारा ग्रीन ग्रीन, ये घास बिछा रहा है, एक्चुअली में बीज है, बीज के ऊपर ना खाद होती है, तो ये सारे इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया था। ये सारा ग्रीन ग्रीन इसलिए हुआ ताकि यहाँ पे घास उग सके। अरे फ्रेंड्स शॉपिंग कर लो, दीपिका शॉपिंग कर रही है। और हमें मम्मी के लिए एक अद्धा स्वेटर देखना था, क्योंकि मम्मी को जो हमने जैकेट वगैरह दी थी वो मम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं आई फ्रेंड्स, वो मम्मी को फिट नहीं आई, इसलिए अभी हम आए हैं एक अभी शॉपिंग करने यहाँ टीजे मैक्स में। और ये कितने बैग पड़े हुए हैं यहाँ पे। दीपिका अपने लिए शॉपिंग करने आया, मेरे भी लेके देना कुछ। पहले आप लेके दो फिर मैं लेके दूँ। मैं क्या लेके दूँ? आपको ये स्विंग ले देता हूँ। ओ ये तो वही वाली है जेडन की, बेटा देखो जेडन की स्विंग। फ्रेंड्स ये देखो लंच बॉक्स, ये लड़कियों के लिए लंच बॉक्स है। ये रहे हम, ये क्या है फिर? मुझे लगा लंच बॉक्स है। टॉमी के पड़े, ये कितने बढ़िया बढ़िया बैग है। क्या ये गुच्ची का?
लेना ले दो गुच्ची है और गैस है, गैस और गुच्ची एक ही है। जी ये जी लगा लो, जी से गिन्नी, घी से गैस, घी से गुच्ची। ये देखो ये भी लंच बॉक्स पड़ा है, नहीं ये क्या पता नहीं कौन सा बॉक्स है, ये पर्स देखो चमकीले। आप जाओ और मेरे लिए एक अच्छा सा बैग ढूंढ के लाओ, जाओ। कौन सा बैग? हैंड बैग, जैसे ये बैग्स ही हैं सारे। हैंड में पकड़ने वाला? या जाओ, मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मम्मी लेके आ जाओ। बाकी बैग अच्छे हैं। आ गया मैं। ले आयो? या दिखाओ। ये क्या पिरामिड? ये हैंड बैग, आपने कहा हैंड में पकड़ने के लिए हैंड। ये मुझे नहीं चाहिए इतना ग्लिटरी ऐसे पिरामिड सा, ये क्या है? हैंड बैग, यू सेड हैंड बैग, इट्स अ रिस्ट बैग। नो आई डोंट लाइक दिस। ये क्या बहुत मजाक कर रहे हो मेरे साथ, आप ले सकते हो आप। नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोलो। ऑलराइट गाइस, तो इधर तो हेलो गाइस, और थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था गाड़ी हमारी, मतलब की थी तो वो देखने में, बट एनीवेज हमने शॉपिंग वगैरह कर ली, क्रिसमस की शॉपिंग फ्रेंड शुरू हो चुकी है 1 महीने पहले ही, 1 महीने से भी ज्यादा ऊपर ये टाइम पहले शुरू हो गई है, और हमने शॉपिंग कर ली और अभी जो सामान लेना था वो ले लिया। बिजी बहुत ही ज्यादा था, एक सेक्शन में हमने बनाया, दीपिका ने बैग उठाया था, बैग भी पसंद नहीं आया, बैग भी रख दिया, बट 2-3 चीजें और ले ली हैं और वो अभी हम शो नहीं कर सकते क्योंकि घर वाले भी हमारी व्लॉग वगैरह देखते हैं, फिर अभी दिखा देंगे तो फिर थोड़ा फन सा नहीं रहता, इसीलिए भी दिखा नहीं सकते, शो नहीं कर सकते, बट शॉपिंग हमारी हो गई। तो किस चीज के लिए शॉपिंग की है आपने जो शो नहीं कर सकते? क्रिसमस के लिए की है। तो कहाँ रखते हैं मम्मी, सबको बताना है। वो ट्री के, हाँ जो ट्री के हमारे जो ट्री स्टैंड अप करेंगे उसके नीचे रखेंगे, ट्री के नीचे हम सारे प्रेजेंट्स रैप करके, दीपिका यूजली रैप करती है तो उसको रैप करके हम ट्री के नीचे रख देंगे। चलते हैं हम कुछ खाने, लग गई है पेट को भूख, और भूख मिटाने का एक ही इलाज होता है कि फूड खा लो, तो चलिए वही फूड खाने चलते हैं। कहाँ जाना है आप बता दो, देखते हैं, बता दो बबुआ। देख रहे हो फ्रेंड्स, सारी गाड़ियाँ रुक गई, और ऊपर की लाइट दिखाओ वो जो चमक रही है येलो वाली, ब्लिंक कर रही है। हाँ वो देखो, ये जा रही है फायर ब्रिगेड, और सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं क्योंकि वो येलो लाइट जल रही है, हर तरफ से रेड लाइट हो गई, और सबको सबसे पहले इनको जाने की परमिशन होती है। अच्छा सिस्टम है यहाँ का, उड़ाते हुए जा रही है, उड़ाते हुए, ये परवाह भी नहीं करते, इनका एक्सीडेंट भी हो जाए ना इनको 2 एक्सीडेंट माफ होते हैं, पता है आपको? नहीं ये पता है, अब पता चल गया। अभी तक देख लो गाइस लाइन में खड़े हैं फूड की, हमें 20 मिनट हो गए हम फूड लेने जा रहे थे, मतलब लाइन में लगे हुए हैं, आगे किसी के बंदे का फूड गलत हो गया, तो वो लड़की मेरा फूड ले रही थी तो वो कहती है होल्ड कर, फिर उसने मुझे होल्ड पे डाल दिया, और फिर जो आगे बंदे का गलत हुआ था उसको पूरा रिफंड किया, फूड भी दे दिया और रिफंड भी दे दिया। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जब मैं स्क्रीन देख रहा था तो उस पर आ रहा था नेगेटिव $20 कुछ था, और जब मैं इधर टर्न अराउंड करके विंडो पे आया तो उसको फूड हैंड कर रही थी। तो यहाँ पे ये बढ़िया सिस्टम होता है, अगर आपका फूड लेट हो जाए या कुछ, इनके कई रेस्टोरेंट करते हैं, नॉट एवरीबॉडी, तो कई रेस्टोरेंट ऐसे करते हैं कि अगर आपका फूड लेट हो जाए या फूड आपका लेट आ रहा है, ठंडा है, या आपने गलत कर दिया, तो या तो आपको वो कर्टेसी क्रेडिट दे देते हैं, जैसे कि मतलब पूरा फूल क्रेडिट कर देते हैं, या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा आइटम डाल देते हैं। अभी टाइम देख लो यार, 5:06 से खड़े हैं लाइन में, या 4:30 फ्रेंड्स, मैंने जब आपका वीडियो दिखाया था तो 4:30 हुए थे, 5 बजे हुए थे अपने, 4:30 थे, तो अभी देख लो गाइस 5:06 हो गए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको 15-20 मिनट हो गए। चलो चाय के साथ टाको ले जाते हैं, सारे खा लेंगे, बट अभी टाइम तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ, बट इट्स जस्ट सो डार्क। मुझे हमारी आज की व्लॉग का भी टाइटल मिल गया, हमारी लाइन में खड़े खड़े हमें अपने दिमाग में मेरा टाइटल आ गया, और आज के हमारे व्लॉग का टाइटल कुछ ऐसा हो, खड़े हुए हाल बेहाल फूड के चक्कर में टाको बेल ने करा दिया इतना बड़ा इंतजार, ऐसा इतना बड़ा टाइटल नहीं रखेंगे, कुछ ऐसे फूड के बारे में और लाइन के बारे में टाइटल। आपने बोला आपको टाइटल, मेरा तो मतलब टाइटल तो दिमाग में आ ही गया बंदे के, अब बड़ा इतना, अब यूट्यूब बोलेगा, अभी आप इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, यूट्यूब बोलेगा इतना बड़ा टाइटल नहीं रखोगे भाई साहब, सिर्फ 100 वर्ड्स का रखना चाहिए, 100 वर्ड तो हमें मतलब ऐसे निकल जाते हैं हमारे मुंह से। मैं तो कहती हूँ चलते हैं, कितना टाइम हो गया यार, निकल जाए फिर क्या खाएंगे,
वो तो है, मैं हॉर्न हुरन मारूं आगे गाड़ियों को, वो चारियां क्या करे, वो तो खुद वेट कर रहे हैं। बंदे शॉर्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही बंदे शॉर्ट है। जब से कोविड हुआ है ना, मतलब 2 साल हो गए, हर जगह पे हायरिंग है, हर जगह पे हायरिंग, बट बंदे मिलते ही नहीं, लोग काम ही नहीं करना चाहते। I never seen, जैसे कभी किसी जगह पे जाओ और बंद होती है और पे लिखा होता है स्टोर इज क्लोज ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज। Yeah. And I was like, what, really? ऐसा चल रहा है, इतनी शॉर्टेज चल रही है। Yeah. यार ये लाइट ऑन करो, मुझे ये अच्छी नहीं लगती है, जो रेड लाइट मुंह पे बजती है ना। हेलो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ अच्छा, हले भी दिख रहे थे, बट ऐसे ही है। तो आज की व्लॉग में हमने बस ऐसे ही घूम घुमाई की है, आप लोगों को भी घुमा दिया, अब घर जाकर चाय चुआ पियेंगे। और मुझे नींद आ रही है, मंडे कितनी जल्दी आ जाता है यार। मम्मी भी घर पे इंतजार कर रही होगी हमारा। मम्मी जो तुसी ये व्लॉग देख रहे हो, मम्मी ऑब्वियसली देखती है, मम्मी तो व्लॉग देख लेती है। और मम्मी जो तुसी व्लॉग देख रहे हो, मैं घर आ रहा वा, छेती छेती आ रहा वा, और मैं जल्दी मिलता थानू। और अभी हम आए हैं लंच करने, थोड़ा बाहर का लंच करने आए हैं, क्योंकि इस हफ्ते पूरे थैंक्सगिविंग है और सारी मार्केट सब कुछ बिजी है, इसलिए हमने सोचा कि कहीं बाहर लंच करके आते हैं। और भूख बहुत ही लगी है, मेन्यू ऑर्डर दे दिया हुआ, हम बैठे देखो, मैं दिखाता हूँ मैं आपको, बाहर कितना नज़ारा आ रहा है, अंदर बैठे हैं हम। और कैसा लग रहा है दीपिका? नाइस। अच्छा, इसीलिए बस लंच करेंगे, खाएंगे पियेंगे और ऐश करेंगे, बस ऐसे चल रहा है। और गाइस, आज के व्लॉग को भी बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की व्लॉग अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक बनने जरूर दबा देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और कर लिया तो आगे से आगे शेयर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, हैव अ गुड नाइट गाइस। और हमारा फूड आ गया है, पिता ने मंगाया है चिकन फिली, रेंच आ रही है, और हमारा है किंडर जोन, ये छोटा कर दिया इन्होंने ना, ये इतना ही है। ये बॉस्टन जोन है फ्रेंड्स, इसमें है बफलो चिकन। और फ्रेंड्स लंच करते हैं।